तो भाई लोग 2023 फाइनली खत्म होने की नहज पर खड़ा है और ये साल भी उतनी ही जल्दी गुजरा जितनी जल्दी मेरा लास्ट रिलेशनशिप साला पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन ये साल मूवी लवर्स के लिए बहुत कमाल का रहा, जहां हमने बहुत कमाल कमाल की मूवीज देखी, जहां कुछ मूवीज ऐसी थी जिन्होंने अपने एक्शन से ऑडियंस को एड्रेनलिन रश भी दिया और कुछ मूवीज ऐसी जिन्होंने अपने इमोशन से ऑडियंस को सेंटी भी किया, और वहीं पर कुछ ऐसी वाहियात किस्म की पिक्चर्स भी देखने को मिली जिन्होंने लिटरली ऑडियंस को थिएटर में मौत के दर्शन करा दिए। और इसीलिए आज की इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू द बेस्ट एंड वर्स्ट इंडियन मूवीज ऑफ 2023 एंड आई वुड लाइक टू थैंक आवर सब्सक्राइबर हर्ष जिन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। द बेस्ट नंबर 10, सिर्फ एक बंदा काफी है। अब ये एक कोर्ट रूम ड्रामा है जिसके लीड में है मनोज बाजपाई सर और इस मूवी को डायरेक्ट किया है अपूर्व सिंह कार्की ने। ये मूवी एक बहुत ही सेंसिटिव इशू को कैरी करती है विद मच नीडेड केयर। द कोर्ट रूम ड्रामा द परफॉर्मेंसेस एवरीथिंग इज गुड, स्पेशली मनोज बाजपाई सर, उनका परफॉर्मेंस इस मूवी में वो मच नीडेड जान भर देता है विद अ कंपेलिंग स्क्रीन प्ले एंड इनडीड इट वॉज अ गुड वॉच फॉर मी। नंबर 9 पे आती है मवीरत। अब ये मूवी 2023 में मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। थिएटर में मैं इस पिक्चर को नहीं देख पाया था, फिर अपने एक दोस्त के सजेस्ट करने पर मैंने प्राइम वीडियो पर ये मूवी देखी एंड आई थोरली एंजॉयड द फिल्म। इस मूवी के लीड में है शिवा कार्तिकेयन और इस मूवी को मिडोन अश्विन ने डायरेक्ट किया है। ये सुपर हीरो जॉनर की मूवी है जहां अपने लीड कैरेक्टर सत्या जो कि कार्टूनिस्ट है, उसको एक इंसिडेंट के बाद मां वीरन जिस कार्टून कैरेक्टर पर वो काम कर रहा है उसकी आवाज सुनाई देने लग जाती है। अब ये सुपर पावर कैसे उसकी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज करती है, ये है बेसिक प्रमाइस मां वीरन का। सुपर हीरो पर एक बहुत ही नया टेक लिया गया है इस मूवी के मेकर्स की तरफ से। बहुत ही पॉलिश्ड मूवी है, एक्शन सेट पीसेस ब्रिलियंट हैं विद वेरी यूनिक बीजीएम। और अगर अभी तक तुमने ये मूवी नहीं देखी है तो जाओ जाकर देखो, प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है ये फिल्म। नंबर 8 पर आती है 2018। अब ये मूवी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी ड्यू टू इट्स स्टोरी टेलिंग। ये मूवी हमें 2018 में आए केरला फ्लड्स के इवेंट्स के बारे में बताती है। परफॉर्मेंसेस, स्क्रीन प्ले, नैरेटिव इतना ग्रिपिंग है इस फिल्म का कि आप बिल्कुल भी बोर नहीं होते। और जो ह्यूमैनिटी का एसेंस आपको देखने को मिलता है इस मूवी में कि चाहे आपस में जितने भी गिले शिकवे या लड़ाई झगड़े हो, लेकिन जब बात लोगों की आती है तो सब एक साथ हैं और कैसे डिफरेंट प्रोफेशन और डिफरेंट सेट ऑफ लाइफ के लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं टू हेल्प वन अनदर, इट विल श्योरली स्टिक विद। अगर अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो जाकर सोनी लिव पर देख सकते हो। नंबर 7 पर आती है RDX, रॉबर्ट डाउनी जेवियर। अब ये मूवी को मैंने इस लिस्ट पर रखा है सिर्फ और सिर्फ इसके एक्शन की वजह से। मेरी ऑडियंस को पता है कि मैं एक्शन का कितना बड़ा फैन हूँ और ये पिक्चर उस एक्शन को उतने ही ग्राउंडेड और खूबसूरत तरीके से दिखाती है। तीनों ही लीड्स का काम अच्छा है। कहानी तीन दोस्तों की है, रॉबर्ट डाउनी और जेवियर की, कि कैसे वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उनको एक साथ आना पड़ता है। और अगर तुम एक्शन लवर हो और तुमको ब्रूस ली स्टाइल एक्शन पसंद है तो जाओ जाकर देखो, नेटफ्लिक्स पर पिक्चर अवेलेबल है। नंबर 6 पर आती है जेलर। अब फाइनली इस लिस्ट पर अपने थलाइवा रजनीकांत और नेल्सन की फिल्म जेलर आई है, जिसको पर्सनली मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। रजनीकांत को वो यंग 25 इयर्स कांस्टेंट से हटकर अपनी एज प्ले करते हुए देखना काफी रिफ्रेशिंग था। और ये मूवी एक मास मसाला कमर्शियल फ्लिक होने के साथ साथ इमोशंस को भी बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर करती है। रजनीज़म इस मूवी में कूट कूट कर भरा हुआ है और अनिरुद्ध रविचंद्रन का BGM जस्ट मेक्स इट इवन बेटर। अगर अभी तक जेलर नहीं देखी है तो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो जाकर। नंबर 5 पर आती है पोनियन सेल्वन 2। अब मुझे पोनियन सेल्वन या चोला एम्पायर के बारे में इन दो मूवी से पहले कुछ नहीं पता था एंड पोनियन सेल्वन 1 सेट द बेस फॉर द सेकेंड पार्ट। और अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो आई एंजॉयड पोनियन सेल्वन 2 मोर देन पोनियन सेल्वन 1। इस मूवी के एक्शन सेट पीसेस ने मुझे उतना इंप्रेस नहीं किया, बट इट वॉज द ड्रामा विच पीक्स फॉर मी। मणिरत्नम सर इज वन ऑफ द ग्रेट्स इन द गेम एंड ही शाइन्स वेयर द ड्रामा इज एट इट्स पीक। मूवी में ग्रैंडोर है, परफॉर्मेंसेस भी कमाल के हैं। और अगर अभी तक तुम लोगों ने पोनियन सेल्वन 2 नहीं देखी है तो उसको भी तुम लोग प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। नंबर 4 पर आती है जवान। नाउ आई एम स्टिल ऑफ दिस ओपिनियन के भाई जवान पठान से काफी ज्यादा बेहतर थी, क्योंकि जिस तरह से एटली ने ओवरऑल SRK के कैरेक्टर को प्रेजेंट किया था इस मूवी में वो वाकई में प्रेज़वर्दी था। और विक्रम राठौर तो आज भी बहुत सारे लोगों का फेवरेट डैडी कैरेक्टर है आउट ऑफ ऑल एटलीज फिल्मोग्राफी। ये एक प्रॉपर मास मसाला एंटरटेनर थी। बिग एक्शन सेट पीसेस, SRK की स्टार प्रेजेंस का बेहतरीन तरीके से इस फिल्म में इस्तेमाल किया गया है, एवरीथिंग वॉज देयर। और अगर अभी तक तुमने जवान नहीं देखी है तो तुम लोग इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नंबर 3 पर आती है विडो तलई
पार्ट 1। अब वेट्री मारन एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनका मैं असुरन के टाइम से बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि उनकी मूवीज में एक अलग ही चार्म होता है और उनकी हर मूवी किसी न किसी सोशियो एक्टिव टॉपिक पर बात करती है, लेट इट बी वाड़ा चेन्नई। और यहाँ पर अगर हम विलुथलई की बात करें, जिस चीज ने मुझे इस मूवी को देखते वक्त सबसे ज्यादा सरप्राइज किया वो है कि कैसे आज के टाइम में आप अपनी इमेज एज अ एक्टर कभी भी चेंज कर सकते हो। सूरी को मोस्टली हम लोग साउथ इंडियन मूवीज में एज अ कॉमेडिक रिलीफ के तौर पर देखा करते थे, लेकिन इस मूवी में ही जस्ट ब्लू मी अवे विद हिज परफॉर्मेंस। विजय सेतुपति एंड द एंटायर कास्ट इज फिनोमिनल, और जिस तरह से वेट्री मारन ने एक एंगेजिंग नैरेटिव को बिठाया है, आई एम ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच विलुथलई पार्ट 2। और अगर तुमने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो जाओ जाकर Z5 पर देखो, ये मूवी मैं तुम्हें मोस्टली रिकमेंड करूंगा। नंबर 2, लियो। अब मेरे चैनल के साथ जुड़े लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैं लोकेश कनकराज साइनेमैटिक यूनिवर्स का कितना बड़ा फैन हूँ, न जाने कितनी वीडियोस बना चुका हूँ इस यूनिवर्स पर, इसीलिए लियो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। और इस मूवी का थिएट्रिकल एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल सकता, 102 फीवर में देख कर आया था ये पिक्चर तुम्हारा भाई। कलापति विजय का परफॉर्मेंस, द ओवरऑल नैरेटिव इस मूवी को एंगेजिंग अफेयर बनाता है। सेकंड हाफ इस मूवी का थोड़ा भटक जाता है, लेकिन व्हाट मेक्स इट स्पेशल इज द एलसीयू कनेक्ट। अगर अभी तक लियो नहीं देखी तो जाकर नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। अब नंबर 1 पर आने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस हैं जिनको मैं क्रेडिट जरूर से देना चाहूंगा। सालार, डंकी, ओ माई गॉड 2, कातिल द कोर, हाय नाना, कन्नूर स्क्वाड एंड टाइगर 3। एंड फाइनली नंबर 1 की पोजीशन फॉर मी, देयर इज अ टाई बिटवीन 12th फेल एंड एनिमल। हां मुझे पता है एनिमल वाले पार्ट पर काफी गालियां पड़ेंगी, लेकिन इन दो मूवीज को मैंने इसीलिए चूज किया है क्योंकि 12th फेल मूवी के इमोशनल कनेक्ट ने मुझे थिएटर में रुला दिया था और एनिमल मूवी के साइनेमैटिक एक्सपीरियंस ने मुझे थिएटर में चौंका दिया था। 12th फेल मूवी मेरे लिए एक कमाल का एक्सपीरियंस था, जिसके खत्म होते ही मैं कितना ओवरवेल्म था ये तुम्हें बता भी नहीं सकता। डायरेक्शन से लेकर स्टोरी टेलिंग तक टेक्निकली ये मूवी बहुत ब्रिलियंस होल्ड करती है, और परफॉर्मेंसेस के तो क्या ही कहने, विक्रांत मैसी का कैरेक्टर लिटरली आपके दिल को छू जाएगा। और एनिमल मूवी को मैंने फर्स्ट पोजीशन पर 12th फेल के साथ सिर्फ इसीलिए रखा है क्योंकि जो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस इस मूवी ने मुझे दिया वो 2023 की और कोई मूवी नहीं दे पाई। अब जब इतनी अच्छी अच्छी बातें कर ही ली हैं तो आओ भाई लोग थोड़ा सा गोबर अपने मुंह पर देकर मारते हैं और बात करते हैं इस साल की वर्स्ट मूवीज। तो नंबर 10 पर आती है शहजादा। अब यहाँ पर डेविड धवन के सपूत और वरुण धवन के भाई रोहित धवन ने सोल्यूशन के नशे कर एक पिक्चर रिलीज की थी जिसका नाम था शहजादा। क्योंकि किस लिए की ये आज तक शायद वो भी नहीं समझ पाए, क्योंकि जब तक उनका नशा उतरा तब तक पिक्चर रिलीज होकर उतर भी चुकी थी। ये मूवी अल्लू अर्जुन की इंडस्ट्री हिट मूवी अलवैकुंठा पुरमलो का रीमेक है। उस पिक्चर को तो अल्लू अर्जुन के करिश्मा ने बचा लिया था, लेकिन ये पिक्चर इतनी वाहियात है भाई लोग, अगर मेरी मानते हो तो मत देखना इसको। नंबर 9 पर आती है लेडी किलर। बेग कपूरों के खानदान से रणबीर कपूर है, जो कि एक्टिंग के नए नए झंडे गाड़े इंडस्ट्री में, तो दूसरी तरफ है कि अर्जुन कपूर जिनको एक्टिंग के ए के बारे में भी नहीं पता, और पता नहीं वो कौन से नुकसान करवाने के शौकीन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं जो इसको मूवीज में कास्ट कर लेते हैं। एक तो ना एक्टिंग आती है, ऊपर से वाहियात फिल्म जो कि पूरी बनी भी नहीं हुई और थिएटर्स में रिलीज कर दी। थिएटर से बाहर निकलकर 4 घंटे लगे मुझे इस मूवी का हैंगओवर उतारने में। कोई मुफ्त में भी दिखाए ना तो भी ना देखने जाना ये पिक्चर को। नंबर 8 पर आती है KGF। नहीं, वानाबी KGF कब्जा। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बचाने में किसी ने PhD करनी है तो आओ आकर कब्जा के मेकर से सीखो, क्योंकि आधी ज्यादा पिक्चर तो अंधेरे में निकल जाती है। हर डिपार्टमेंट में ये पिक्चर हकती है, और अगर तुम्हें खुद को मिर्गी के दौरे नहीं पड़वाने तो दूर रहो इस पिक्चर से। नंबर 7 पर आती है मैडम कंगना रनआउट की मूवी तेजस। अब मैंने रनावत की जगह रनआउट इसलिए बोला क्योंकि इस मैडम के दिमाग के फ्यूज जितने आउट है उतनी ही जल्दी इनकी पिक्चरें थिएटर से आउट हो रही है आजकल, और राइटफुली सो। और इसी वाहियाती का एक अद्भुत प्रदर्शन किया कंगना मैडम ने तेजस मूवी में, जहां ना स्टोरी थी ना स्क्रीन प्ले, सिर्फ देशभक्ति के फीलिंग्स पे मूवी को चलाने की कोशिश की गई थी, और मिला क्या। नंबर 6 पर आती है चंद्रमुखी 2। अब चंद्रमुखी और भूल भुलैया मुझे आज भी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन भाई ये क्या बवासीर बना दिए थे। इसे तो बेहतर था कि चंद्रमुखी 1 को ही दोबारा से थिएटर में रिलीज कर देते, कम से कम कुछ पैसे तो कमाती वो पिक्चर। परफॉर्मेंसेस, स्क्रीन प्ले, स्टोरी, हर चीज औंधे मुंह गिरती है एंड नथिंग वर्क्स। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है ये पिक्चर, लेकिन अगर चाहते हो कि तुम्हारी रातों की नींद न उड़े तो भाई मत देखना इस पिक्चर को। मैं मजबूर हूं मगर आप नहीं। नंबर 5 पर आते हैं हम सब के भाई, पूरे इंडिया यूनिवर्स गैलेक्सी के भाई
भाई सलमान भाई की पिक्चर किसी का भाई किसी की जान, लेकिन कसम उठवा लो मुझसे इस पिक्चर ने सिर्फ जान ही निकाली है। मतलब भाई को लगा कि अभी भी मैं 2010 में जी रहा हूँ कि ईद पर आएंगे और 300-400 करोड़ लेकर जाएंगे। तो भाई आजकल के टाइम में ना ऐसा नहीं होता, मूवी में कुछ भी देखने लायक नहीं है। भाई का लुक हर 20 मिनट में चेंज होता है, सबकी परफॉर्मेंसेस कबाड़ है, लिटरल कबाड़। और अगर तुम्हें शौक है अपने किडनी स्टोन को और बड़ा करने का तो जाकर देख सकते हो, योर किडनी स्टोन इज योर किडनी स्टोन। नंबर 4 पर आती है एक ऐसी पिक्चर जो इतनी बुरी है दैट आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट, और वो थी अपने बालकृष्ण की वीर सिम्हा रेड्डी। अब वैसे तो बालकृष्ण को हम ट्रबल द ट्रबल जैसी मीम्स या उनके ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस की वजह से जानते हैं, लेकिन मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि जाकर इस पिक्चर को OTT पर बर्दाश्त करके देखो और तब मेरे हाल के बारे में सोचना, क्योंकि मैं ये कचरा थिएटर में देख कर आया हूं और वो भी पैसे दे के। पूरी पिक्चर में कुछ भी चल रहा है, बाप और बेटे का चेहरा मिलता है। जो माँ बनी हुई है वो लीड एक्टर से 25 साल छोटी है रियल लाइफ में। बालकृष्ण पूरी पिक्चर के अंदर 25,000 से 30,000 लोगों को मार देते हैं, यू नेम इट एंड यू विल गेट द प्रॉब्लम वाला हिसाब है। इस पिक्चर को देखने से बेहतर है कि मौत को गले लगा लो, क्योंकि वो ज्यादा आसान है झेलना। नंबर 3 पर आती है एक ऐसी पिक्चर जो मैं थिएटर में देखने तो गया और पूरा टाइम सिर्फ यही सोचता रहा, जो इसमें आया। मैं बात कर रहा हूँ यारियां 2 के बारे में। अब भाई भूषण कुमार तेरे पास 30 सीरीज है, अंधा पैसा है तो भाई अपनी बीवी को रोक ले। गानों तक तो ठीक था, अब तो ये मैडम फिल्मों में आ रही है, ऑडियंस की थिएटर से अर्थी उठवाने की तैयारी है इसकी, क्योंकि ये मूवी एक लिटरल क्रिंज फेस्ट था। परफॉर्मेंसेस इतने बुरे के तौबा तौबा अस्तगफार। ये मूवी मलयालम मूवी बैंगलोर डेज से इंस्पायर्ड है, लेकिन पूरी स्टोरी और स्क्रीन प्ले का क्या गुड़ गोबड़ किया इन्होंने। भाई भूषण कुमार वक्त रहते अपनी बीवी को रोक ले, वरना जनता माफ नहीं करेगी। नंबर 2 पर आती है हम सबकी चहेती लॉर्ड आदिपुरुष। 600 करोड़ का बजट, ओम रावत एज अ डायरेक्टर, प्रभास इन लीड रोल और रामायण बेस्ड स्टोरी, व्हाट कैन गो रॉन्ग राइट। मैं तो आज भी इस ओपिनियन पर स्ट्रांगली स्टैंड करता हूँ कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट को कैश करके पैसे कमाने की स्कीम थी और कुछ नहीं, क्योंकि ये पिक्चर हर लिहाज से बुरी थी। और सिर्फ बुरी नहीं थी, बहुत ज्यादा वाहियात थी। VFX, डायलॉग्स, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, हर जगह इस मूवी के मेकर्स ने अपने हाथों से गोबर उठा के अपने मुंह पर देकर मारा है। एंड इंडीड आदि पुरुष इज वन ऑफ द वर्स्ट फिल्म्स ऑफ 2023। लेकिन यहाँ पर तुम सोच रहे होगे कि मैंने आदि पुरुष को नंबर 2 पर रखा है, तो नंबर 1 पर कौन है? तो देवी और सज्जनों, नंबर 1 पर आती है मास्टर शेफ उल्लासनगर द नेशनल भिड़ू ऑफ इंडिया, जैकी श्रॉफ के सबूत, टाइगर श्रॉफ की बनाई हुई मास हैजर्डस डिस्ट्रक्शन वेपन गणपत पार्ट 1। कहने को तो मेकर्स बोल रहे थे कि ये मूवी इंडिया की फर्स्ट डिस्टोपियन मूवी होने वाली है, लेकिन इसको देखकर ऑडियंस का बस एक ही रिएक्शन था, ये तो चट्टी है। स्टोरी से लेकर स्क्रीन प्ले, एक्शन से लेकर एक्टिंग तक, हर जगह ये मूवी कंफ्यूज नजर आती है। और CGI उसकी तो जितनी कम बात की जाए उतना बेहतर है, जहां मेकर्स इतने आलसी कि ग्रीन स्क्रीन हटाना तक भूल चुके थे। और इस साल अगर लॉर्ड आदिपुरुष से भी बुरा मैंने कुछ थिएटर में देखा है तो वो वाकई में गणपत पार्ट 1 है। अब वर्स्ट मूवीज के लिए भी कुछ ऑनरेबल मेंशंस हैं, क्योंकि गोबर में मुंह दिया है तो पूरे तरीके से देंगे, जिनमें सबसे पहले आती है थैंक यू फॉर कमिंग, द आर्चीज, बीटर, गदर 2 और UT69। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं फिर आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें कैसी लगी ये बेस्ट एंड वर्स्ट इंडियन मूवीज ऑफ 2023 की लिस्ट। और अगर कोई मूवी मैं मिस कर गया हूँ तो कमेंट में मेंशन जरूर करना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर ओपिनियंस एज वेल। और ये साल भी खत्म होने को है, तो मेरी तरफ से मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। तुम सब मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो। तुम्हारे कमेंट्स, लाइक्स और व्यूज ही मुझे इंकरेज करते हैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो कीप सपोर्टिंग एंड लव यू ऑल। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए। Hasta la vista, baby.